हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल चारू फैशन और आज हम बात करने जा रहे हैं फैशन साइकिल के बारे में अवर डिज़ायर फॉर न्यू फैशंस कॉज गारमेंट सिल्विट्स एंड डिटेल्स टू कॉन्स्टेंटली चेंज फैशन ऑलवेज चेंज विद द सेम सीरीज ऑफ इवेंट्स द न्यू स्टाइल इज इंट्रोड्यूस्ड इट इज़ वॉन बाय मेनी पीपल फाइनली इट इज डिस्कार्डेड इन अदर वर्ड्स न्यू फैशन इवेंचुअली मूव टू पीक बिकम ओल्ड फैशन एंड डिस न्यू फैशंस आर ऑलवेज बीइंग क्रिएटेड एस पीपल वॉन्ट टू ओन द न्यूएस्ट एंड लेटेस्ट आइटम्स नए फैशन के लिए हमारी इच्छा के कारण जो गारमेंट्स होते हैं उनके सिल्विट्स और डिटेल्स में लगातार बदलाव होता रहता है फ़ैशन हमेशा इवेंट्स की एक ही सीरीज के साथ बदलता है जो कि है नई स्टाइल का इंट्रोड्यूस होना कई लोगों का इसे पहनना फाइनली इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है दूसरे शब्दों में कहें तो नया फैशन पीक पर पहुंचता है फिर पुराना फैशन बन जाता है और गायब हो जाता है न्यू फैशन हमेशा इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि लोगों को न्यू और लेटेस्ट आइटम्स चाहिए होते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम और लाइफ स्पैन ड्यूरिंग विच द फैशन एग्जिस्ट इज फैशन साइकिल द फैशन साइकिल इज यूजली डिपिक्टेड एज अ बेल शेप्ड कर्व एंड कंपाजिंग फाइव स्टेजेस इंट्रोडक्शन राइज इन पॉपुलर्टी पीक ऑफ पॉपुलर्टी डिक्लाइन इन पॉपुलर्टी एंड रिजेक्शन समय या जीवन काल की अवधि जिसके दौरान फैशन मौजूद रहता है वह फैशन साइकिल है फैशन साइकिल को आमतौर पर बेल शेप्ड कर्व के रूप में दर्शाया जाता है यानी कि डिपिक्ट किया जाता है जिसके पाँच स्टेज हैं इंट्रोडक्शन राइज इन पॉपुलर्टी पीक ऑफ पॉपुलर्टी डिक्लाइन इन पॉपुलर्टी एंड रिजेक्शन जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं दो चीज़ें हैं एक्सेप्टेंस एंड टाइम हमारे टाइम के प्रपोशनली एक्सेप्टेंस चलती है इसमें तीन फेजेस हैं इंट्रोडक्टरी एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन फैशन साइकिल के पांच स्टेजेस हैं इंट्रोडक्शन सेकेंड इज इंक्रीज और राइज नेक्स्ट इज पीक और मेचोरिटी नेक्स्ट इज डिक्लाइन एंड द लास्ट वन इज ऑब्सिलेंस जिसको कि हम रिजेक्शन भी कहते हैं यहाँ हम देख सकते हैं न्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस हुई है धीरे धीरे डिमांड और सेल इंक्रीज हो रही है वो फैशन फिर पीक पर पहुंचता है धीरे धीरे डिमांड डिक्रीज हो जाती है फिर फैशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और मार्केट में न्यू फैशन आ जाता है फैड्स आर फैशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विच सडनली बिकम पॉपुलर एंड डाइज आउट क्विकली फैड कम अवधि वाले फैशन होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट लिव्ड फैशन भी कह सकते हैं ये अचानक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और जल्द ही खत्म हो जाते हैं क्लासिक्स आर एंड स्टाइल्स दैट रीच अ प्लेटू ऑफ एक्सेप्टेंस कंटिन्यूइंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट नैवर गो आउट ऑफ फैशन क्लासिक परमन स्टाइल्स हैं जो लंबे समय तक जारी रहने वाली एक्सेप्टेंस तक पहुंचते हैं ये कभी भी फैशन से बाहर नहीं जाते और क्लासिक्स कभी भी ऑप्सिलन स्टेज पर नहीं पहुंचते। क्लासिक्स नेवर एंडिंग फैशन होते हैं और ये एवरग्रीन फैशन भी होते हैं यहाँ हम देख सकते हैं कि नॉर्मल फ़ैशन साइकिल को कंपेयर किया गया है फैड और क्लासिक से यहाँ जो सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल फैशन साइकिल को इस ग्राफ में हम देख सकते हैं जो ब्लैक लाइन है वो नॉर्मल फैशन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है जो ग्रीन लाइन है वो क्लासिक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है हम यहाँ देख सकते हैं कि क्लासिक नेवर एंडिंग फैशन है वो अपने आप को एक समय के बाद रिपीट करता है हाई फैशन के रूप में कुछ अल्टरेशंस के साथ पर जो बेसिक स्टाइल होती है वो सेम रहती है रेड लाइन रिप्रेजेंट करती है फैट साइकिल को स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल इंट्रोडक्शन डिजाइनर इंट्रोड्यूस न्यू कलेक्शन एवरी सीजन विच आर अडॉप्टेड अर्ली बाय फैशन लीडर्स सच इज मूवी स्टार्स एथलीट्स ये फैशन साइकिल की पहली स्टेज है जहाँ न्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस होती है डिज़ाइनर हर सीज़न में नए कलेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिन्हें फैशन लीडर्स एक्सेप्ट करते हैं जैसे फिल्म स्टार एथलीट्स This stage shows a rise as the style gains acceptance. When worn by a celebrity, the new style draws the attention of buyers and the public through advertising promotions and media channels. Fashion followers pick up on style as it gains wider acceptance. इस स्टेज पर धीरे धीरे पर्टिकुलर स्टाइल या फिर फ़ैशन की डिमांड इंक्रीज होती है जब एक सेलिब्रिटी द्वारा इसे पहना जाता है तो न्यू स्टाइल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन और मीडिया चैनलों के माध्यम से कंज्यूमर्स और पब्लिक का ध्यान आकर्षित करती है फैशन फॉलोअर्स स्टाइल को पसंद करते हैं क्योंकि इसे वाइडर एक्सेप्टेंस मिलने लगती है दिस स्टेज रिप्रेजेंट द पीक ऑफ पॉपुलरिटी

यह ऐसी मांग हो सकती है कि मैन्युफैक्चरर्स एडाप्टेशन के साथ इसे डिफरेंट प्राइस लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं जैसे गारमेंट डिटेलिंग कम कर देते हैं लो कॉस्ट मटेरियल यूज करते हैं मेजोरिटी ऑफ कंज्यूमर्स इन अडाप्टेशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं दिस इज द डिक्लाइन स्टेज वैन द स्टाइल इज ओवर एक्सपोज इन मार्केट रिजल्टिंग इन कंज्यूमर्स बिकमिंग टायर्ड ऑफ इट एंड सीकिंग न्यू स्टाइल्स इट इज़ नाउ वॉर्न ओनली बाई लेस कॉन्शियस कंज्यूमर्स एंड देयर फोर द नंबर ऑफ फैशन फॉलोअर्स बिगिन टू डिक्लाइन द स्टाइल मे बी डिस्काउंटेड बाई रिटेलर्स एस ऑफ सीजन सेल और क्लियरिंग सेल यह डिक्लाइन स्टेज होती है जहाँ स्टाइल ओवर एक्सपोज हो चुकी होती है मार्केट में जिसका रिजल्ट होता है कि कंज्यूमर इससे थक जाते हैं और नई स्टाइल की तलाश करते हैं यह अब केवल लेस कॉन्शियस कंज्यूमर पहनते हैं और इसलिए फैशन फॉलोअर्स की संख्या कम होने लगती है इस समय पर्टिकुलर स्टाइल को रिटेलर्स डिस्काउंट में देते हैं ऑफ सीजन सेल और क्लियरिंग सेल के रूप में दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द साइकिल सम कंज्यूमर्स हैव ऑलरेडी टर्नड टू न्यू स्टाइल्स दस बिकमिंग अ न्यू साइकिल द रिजेक्शन और डिस्कार्डिंग ऑफ स्टाइल बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ फैशन इज कॉल्ड कंज्यूमर ऑबसेलेंस एज कंज्यूमर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द स्टाइल एनी मोर मैन्युफैक्चरर्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग एंड रिटेलर्स डू नॉट री स्टॉक द सेम इट इज़ टाइम फॉर न्यू साइकिल टू बिगिन यह फैशन साइकिल का लास्ट स्टेज है कुछ कंज्यूमर्स पहले ही नई स्टाइल की ओर रुख कर चुके होते हैं इस तरह से एक न्यू फैशन साइकिल शुरू हो जाती है पर्टिकुलर स्टाइल के फैशन से बाहर होने के कारण उसे रिजेक्ट या डिस्कार्ड कर दिया जाता है ये कंज्यूमर ऑब्सलेंस कहलाता है चूँकि कंज्यूमर्स अब इस स्टाइल को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स इसे प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं और रिटेलर्स इस स्टॉक को रिस्टॉक करना बंद कर देते हैं आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए स्टेट ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय